5 अगस्त का दिन देश की राजनीति और इतिहास में दर्ज हो गया। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। अयोध्या नगरी में दीपोत्सव मनाया गया तो पूरे देश में राम भक्तों ने दिवाली मनाई। हर्ष और उल्लास का वातावरण चारों ओर नजर आया। इस उल्लास की छटा बॉलीवुड में भी दिखी। सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया के जरिए राम मंदिर निर्माण के पुनीत कार्य के आरंभ पर अपनी खुशी जाहिर की और जय श्री राम के जयकारे लगाए। अक्षय कुमार ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। विदेशों में भी इस कार्यक्रम की धमक सुनाई दी। अमेरिका के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम की झलक एक बड़े आकार के LED पर दिखी, जिसकी तस्वीर शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने लिखा, दिवाली इस साल जल्दी आ गई, वाकई ऐतिहासिक दिन, जय श्री राम। अक्षय ने यह ट्वीट रात लगभग 11 बजे किया था, जबकि भूमि पूजन दिन में लगभग 12 बजे हुआ। अक्षय के फैंस लगातार उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए बेताबी से नजर जमाए हुए थे और रात को जैसे ही उनका ट्वीट आया, फैंस ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। एक यूजर ने लिखा, सुबह से इस ट्वीट का इंतजार था। एक अन्य यूजर ने लिखा, आखिरकार फिल्म इंडस्ट्री से कोई तो बोला। राम मंदिर भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी। वहीं अब अक्षय कुमार के करियर की बात करें तो उनकी फिल्म लक्ष्मी बम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आने वाली है। फिलहाल वो बेल बॉटम में बिजी हो गए हैं, जो अगले साल आएगी। 2021 में अक्षय की बच्चन पांडे भी रिलीज होगी, इससे पहले दिवाली पर पृथ्वीराज रिलीज होने वाली है। हालांकि COVID-19 के चलते मौजूदा हालात में फिल्म रिलीज में बदलाव की कोई खबरें नहीं है। तो पीपल्स, इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो को खत्म। लगातार ऐसे ही खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए द हिंदुस्तान मिरर को। धन्यवाद।